अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज मूव। मूव मतलब अपने गोल, अपने पैशन की तरफ मूव करना। मोटिवेशन को डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जाता है। यहाँ हम मोटिवेशन को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। पर्पज ऑफ मोटिवेशन इज टू अचीव अ प्रीसेट गोल। इट्स मीन जो गोल्स हमने सेट कर रखे हैं उनको हासिल करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल टू अचीव आवर गोल। हमारी सक्सेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है, डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो, डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव। देखिए, बातें करने या सिर्फ कहने से कुछ नहीं हो जाता। यहाँ यही बताया जा रहा है कि सिर्फ अमल करें और फिर जाहिर करें। एंड डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव, कोशिश करें कि वादा ना करें, सिर्फ उसे प्रूव करें। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टोरी अबाउट इंग्वार कैम्परट। इंग्वार कैम्परट कौन है ये हम इनकी स्टोरी से ही जानेंगे। इनका एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, तरक्की चींटी के पांव लेकर पैदा होती है। इंग्वार कैम्परट 30 मार्च 1926 को पैदा हुए। ये 5 वर्ष के थे जब इन्होंने मजदूरी करना शुरू की। और मजदूरी क्या थी, ये माच से बेचा करते थे। एक दिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं शहर से माच से खरीद कर अपने गाँव जाकर बेचा करूँ। इन्होंने कुछ डब्बे माचसू के शहर से खरीदे और गाँव में बेचकर कुछ मुनाफा हासिल किया और यही काम करना शुरू कर दिया। और अगले ही साल इन्होंने माचसू के इस कारोबार को क्रिसमस ट्री, कार्ड्स, फूलों और पेंसिलों तक फैला दिया। काफी सालों की स्ट्रगल के बाद इन्होंने यूरोप के लोगों के साइकी के मुताबिक वजन में हल्का और रंगों में चमकता हुआ फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जानते थे कि लोग इस तरह के फर्नीचर को प्रेफर करते हैं। 18 साल की उम्र में इन्होंने आइकिया कंपनी की बुनियाद रखी। 20 वर्ष के बाद आइकिया यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर उभरकर सामने आई। सिर्फ यही नहीं, 2007 में इंग्वार कैम्परट दुनिया के चौथे अमीर तरीन आदमी बने। इन्होंने 27 जनवरी 2018 में वफात पाई। इनके ये स्ट्रगल हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इनकी स्ट्रगल्स को देख कर ये शेर मुझे 100% परफेक्ट लगता है। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। देखिए, हमेशा मुश्किल सड़क हमें एक खूबसूरत मंजिल की तरफ लेकर जाती है। हमारे गोल्स अगर बड़े हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। यू नेवर फेल अंटिल यू ट्राई। आप कभी भी फेल नहीं होंगे अगर आप कोशिश करते रहेंगे। एंड डोंट लिमिट यूर चैलेंजेस, चैलेंज यूर लिमिट। कभी भी अपने चैलेंजेस को महदूद ना रखें, अपनी हद को चैलेंज करें अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झूली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त खिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप सबकी मोटिवेशन के लिए ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रगल थी। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।